May I come in, sir? Come in, sir. British. Thanks, sir. Mask and gloves. राणा विजय जी सर, अपना परिचय दीजिए। सर जैसे कि आप जानते हैं, मेरा नाम राणा विजय है। मैं छत्तीसगढ़ के उत्तरी भाग महामाया की नगरी अंबिकापुर का निवासी हूँ। मैंने अपनी स्कूली शिक्षा होली क्रॉस कॉन्वेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल अंबिकापुर से प्राप्त की। उसके बाद मैंने ग्रेजुएशन के लिए सिविल इंजीनियरिंग ब्रांच से बीई किया है राजीव गांधी प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय से। सर मेरी अभिरुचि सांस्कृतिक पर्यटन में है। मैं एक सैनिक परिवार का हिस्सा हूँ। मेरे पिताजी एक शासकीय सेवक हैं और माता गृहिणी हैं। सेवक परिवार जी सेवक हैं जी। क्या खास बात है, क्या विशेषता होती है सेवक परिवार? सर सैनिक परिवार की विशेषता ये है कि आपको कभी अकेलापन नहीं लगेगा। आपको सपोर्ट करने वाले कई लोग रहेंगे। आपको हमेशा लोगों से सीखने, कई लोगों से सीखने का मौका मिलता है और कई लोगों का ध्यान मिलता है। अभी घर में कौन है? सर मेरे पिताजी लोग चार भाई हैं और सभी विवाहित। मेरी दादी, मेरी बड़ी बहन है। पिताजी और माता जी के अलावा जी सर घर में और बाकी जो मेंबर्स हैं आपके जी सर, उनमें से सबसे ज्यादा किसकी पर्सनैलिटी आपको ज्यादा अट्रैक्ट करती है और जिनसे आप सीखते हैं? सर मैं सबसे ज्यादा सीखता हूँ अपनी बड़ी बहन से। क्या खास बात? सर वो काफ़ी डेडिकेटेड है अपने वर्क को लेकर के और वो मुझसे 1.5 साल की बड़ी है। जितनी उनकी पंचुअलिटी और उनका डेडिकेशन है अपने काम के प्रति, वो काफ़ी इंस्पायर करते हैं। क्या करती है? उनका नाम है डॉक्टर विजय सिंह। वो पंडित जवाहरलाल नेहरू मेमोरियल कॉलेज में ऑफ्सक्रैनी की PG स्टूडेंट है। ठीक। राणा विजय जी सर, महाराणा प्रताप के बारे में कुछ बताएंगे? सर महाराणा प्रताप मेवाड़ से बिलोंग करते थे। वो सिसोदिया राजवंश के थे। उन्होंने राजपूत कुल का सम्मान रखते हुए और मातृभूमि का सम्मान रखते हुए मुगलों के खिलाफ कई युद्ध लड़े। उसमें से सबसे प्रसिद्ध युद्ध है हल्दीघाटी युद्ध, जो कि अकबर के खिलाफ उन्होंने लड़ा था। और उसके अलावा सर उनके घोड़े का नाम चितक था और महाराणा प्रताप का भीलों से काफ़ी अच्छा मैत्रिक संबंध था। उसके पश्चात सर महाराणा प्रताप और उनके वंशजों ने वीर सरदार को भी राणा की संज्ञा दी थी। छत्तीसगढ़ में सिविल इंजीनियरिंग का जी सर, छत्तीसगढ़ बनने के बाद तो सबसे बड़ा अद्भुत नमूना क्या है सिविल इंजीनियरिंग सर? डैम को छोड़ के बताइए। सर एक एग्जांपल मैं ले सकता हूँ, गिरौदपुरी में बने जैतखाम का। ठीक। सर जो कि चार दिल्ली के कुतुब मीनार से भी ऊंचा है। ठीक है, होगी। और उसके अलावा? इसके अलावा सर मैं नए रायपुर के प्लांट सिटी पे एग्जांपल देना चाहूँगा। उसमें सिविल इंजीनियरिंग की काफ़ी विशेष महत्वपूर्ण भूमिका है। छत्तीसगढ़ का सबसे बड़ा पुल कहाँ है? सबसे बड़ा पुल कोई से बड़ा पुल सर रायगढ़ जी। कहाँ से कहाँ बीच जी पर्यटन में, सांस्कृतिक पर्यटन में कहाँ कहाँ घूमे? सर मैं अपने गृह जिला के मैनपाट में घूमा हूँ, रामगिरी हिल्स में घूमा हूँ और सर साथी क्योंकि मेरा ग्रेजुएशन भोपाल से हुआ है तो मैंने भोपाल के टूरिस्ट प्लेसेस साथी भोपाल के नज़दीक में कुछ जाए हैं, मैंने वहाँ घूमा है। रामवन मोहन पथ अभी सुने जी सर, उसका उसकी घोषणा, उसका शुरुआत और लोकार्पण कब हुआ और कहाँ से हुआ? सर तारीख मुझे याद नहीं है, लेकिन रामवन गमन का पहला डेस्टिनेशन रायपुर के चंद्रपुरी में माता कौशल्या मंदिर से शुरुआत किया गया और इसके अंतर्गत 9 स्थानों को चिन्हित किया गया है। पहले राम छत्तीसगढ़ में रामवन गमन पथ का पहला बिंदु कौन सा है? सर सीतामढ़ी हरशौका पुलिया डिस्ट्रिक्ट। उसके बाद पूरा बताइए। सर उसके बाद सरगुजा जिले का रामगिरी हिल्स, उसके बाद सर जांजगीर चापा का शिविर नारायण, फिर बालोदा बाजार भाटापारा डिस्ट्रिक्ट में कुतुरिया, फिर सर रायपुर डिस्ट्रिक्ट का कौशल्या माता मंदिर, फिर सर
बस्तर का जगदलपुर, सॉरी सिहावा धमतरी के का सिहावा, बस्तर का जगदलपुर, और फिर सर आखिरी लोकेशन है सुकमा का रामाराम। तो आठ लोग आप नौ बोले थे जी सर, फिर एक क्या छोड़ी सर? अगर मैं रिकॉल करना चाहूँगा करिए सर, स्टार्टिंग कोरिया डिस्ट्रिक्ट से है, नॉर्थ से सीतामढ़ी हर चौका कोरिया डिस्ट्रिक्ट में, सरगुजा का रामगिरी हिल्स, फिर चांदकी चापा का शिवरी नारायण, बालोदा बाजार का तुरतुरिया, फिर रायपुर का चंद्रपुरी, फिर धमतरी का सुहावा, फिर सर गरियाबंद का राजीव मैंने डिस्कस की, उसके बाद बस्तर का जगदलपुर और सुकमा का रामाना। प्राचीन में माता सीता जहाँ पर रही उस जगह का नाम क्या है? जानकारी तो भगवान राम कहाँ कहाँ पर राजीव में क्या क्या पूछा गया? सर भगवान राम के कुल देवता महादेव थे, उन्होंने वहाँ पे शंकर भगवान के शिवलिंग स्थापित किया था, और वहाँ आज की कुलेश्वर महादेव का मंदिर है। और उसके अलावा सर राजीव की विशेषता बताना है? नहीं, राजीव के रामायण का निश्चित बता सर, मेरे जानकारी में सिर्फ कुलेश्वर महादेव मंदिर। तो ये जो बस्तर के जगदलपुर है, जगदलपुर का क्या उसमें रामायण का लिंग क्या है? सर ऐसा कहा जाता है कि जब राम भगवान सीता माता के साथ जगदलपुर पहुंचे, तो उन्होंने वहां पे भगवान महादेव और माता पार्वती का दर्शन किया। कहां पर किया? सर एग्जैक्ट लोकेशन चित्रकूट और तीरथगढ़ में जुड़ता है क्या रामायण काल से? सर रास्ते में पड़ता है। रामायण का जी भगवान राम की लीला स्थली छत्तीसगढ़ में किसको कहते हैं? छत्तीसगढ़ में भगवान राम की लीला स्थली किसको कहते हैं? लीला स्थली। अच्छा, भगवान राम ने धर्म की शिक्षा छत्तीसगढ़ में कहां से ली? सर भगवान ने राम ने धर्म की शिक्षा सरगुजा जी से की। वहां के भगवान राम ने अपने वनवास के 4 महीने सरगुजा जिले में बिताए, और वहां के आदिवासियों और अन्य निवासियों को एकत्रित करके धर्म के राज्य छत्तीसगढ़ शासन। आपका जवाब छत्तीसगढ़ शासन के अनुसार जो है, और आप जो जवाब दे रहे हैं तो गलत हो गया। ये तो आप सही होंगे, छत्तीसगढ़ शासन सॉरी सर छत्तीसगढ़ शासन के द्वारा जो चिन्हांकित जगह है। धर्म की शिक्षा आप कह रहे हैं, छत्तीसगढ़ सरकार कहती है कि सिहावा से नहीं, सप्तऋषियों के आश्रम से, आप कह रहे हैं रामगढ़ की पहाड़ी सरगुजा से, तो सही कौन हुआ? सर छत्तीसगढ़ सरकार ने शोध करते हुए उसे बताया। सर मैं छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा बताए गए स्थान को उसी को मानेंगे ना? जी सर। तो ये कहा कहीं किंवदंती कहानी भी सुनी थी रामगढ़ की पहाड़ी? जी सर, जब मैं वहां विजिट किया था तो ऐसा लोकल। मेरा लास्ट क्वेश्चन है, आपने लिखा है पर्यटन को सूर्यनारायण का भी उल्लेख हुआ जी सर, शबरी माता का मंदिर छत्तीसगढ़ में कहाँ पर है? जानकारी राणा विजय जी सर, सिविल इंजीनियर। अभी सीमेंट का ऑप्शन हम देख रहे हैं, घर बनाना है, सीमेंट के अलावा किस तरीके से आप घर बनाएंगे जहाँ पर सीमेंट का यूज होगा? सर सीमेंट के अगर हम इस्तेमाल नहीं करते हैं तो सर हम ब्रिक वॉल या फिर आस्ती की जगह कास्ट का यूज कर सकते हैं, एक और खान ग्लास का यूज कर सकते हैं। केवल ग्लास के सहारे बन जाएगा? सर ग्लास में जॉइंट्स यूज होते हैं, और सर एसीपी और फाइबर एल्यूमिनियम के स्ट्रक्चर्स भी आजकल देखने को मिलते हैं, और सर टिम्बर से स्ट्रक्चर्स भी देख सकते हैं, और कुछ सर डबल एसी ब्लॉक्स आजकल मार्केट में देखे जाते हैं, ऑटोक्लेव एरेटेड कॉन्क्रीट ब्लॉक्स जिसमें सीमेंट का रोल काफी कम रहता है। लकड़ी वगैरह से नहीं बनाए? सर बनाया जाता है टिम्बर का बनाया। अच्छा, मेन पार्ट गए जी सर, मेन पार्ट में तिब्बतियों का बसा है,
सर 1962 में बसा है। 62 यस। क्या कारण तिब्बत के भारत आने? सर 1959 में चाइना द्वारा तिब्बत में आक्रमण कर दिया गया था, जिसके पश्चात कई तिब्बती शरणार्थियों को भारत सरकार ने शरण दिया। उसके तहत सर 1400 शरणार्थियों को मैन पार्ट में भारत सरकार ने बसाया और आज प्रेजेंट में सर उनके कुल 7 मठ है जहाँ तिब्बती रहते हैं। अच्छा, शरणार्थियों को लेकर जैसे आप CA है, NRC है, ठीक है ना? तो एक चीज आप बताइए इसमें, इस CAA जो बनाया गया जी ठीक, मूल उद्देश्य क्या है? उसके पहले तो यह बताइए। सर मूल उद्देश्य ये है कि भारत के नागरिकों का एक पहचान पत्र हो जाए और जो बाहर से आने वाले CAA की बात कर रहा हूँ ठीक है, नागरिकता की पहचान, किसकी नागरिकता देने की बात की, नागरिकता की पहचान है, नागरिकता देने की बात करते हैं सर, नागरिकता देने की। हाँ, तो किन लोगों? सर जो शरणार्थी भारत में आते हैं दूसरे मुल्कों से, उनको मुल्क डिसाइड कि कहीं से भी आ जाएंगे उनको देते हैं सर। उसमें कंफ्यूज है सर, मैं बताना चाहता हूँ। सर जो रिलीजियसली डिप्रेस्ड कम्युनिटी है उसमें मैं प्लेस जानना चाह रहा हूँ कि कोई पर्टिकुलर कोई कंट्री के लोगों को ही देने की बात की जा रही है, विश्व के कोई भी व्यक्ति अगर आता है तो CA के दायरे में आएगा। सो पर्टिकुलरली बांग्लादेश और म्यांमार, पाकिस्तान, नेबरिंग कंट्रीज के लिए नई जानकारी थी। नहीं सर, बस अनुमान लगा रहे सर, मैं अनुमान लगा रहा हूँ। क्या है? सॉरी, राशि के बारे में नहीं पढ़ा। ठीक है, अभी कल ही एक योजना लॉन्च हुई है, बालवाड़ी योजना, पढ़े हैं कुछ सर? क्या है बालवाड़ी योजना? सर इसके तहत मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल ने घोषणा किया कि बच्चों को नर्सरी शिक्षा प्रदान की जाएगी, जिससे उनका मेंटली और फिजिकली वो स्कूल में एडमिशन लेने के लिए तैयार हो सकेंगे। ऐसा कुछ एग्जाम्पल आप बता पाएंगे कि जो पहले से चलता आ रहा हो, जिस योजना पर उन्होंने लॉन्च किया है प्राइवेट सेक्टर में, हम इसको पहले से देखते आ रहे हैं, कुछ एग्जाम्पल? प्ले स्कूल वगैरह ऐसा कुछ? सर प्ले स्कूल, नर्सरी, प्राइवेट सेक्टर्स में जो पहले से हैं, जो प्री प्राइमरी के पहले बच्चों को मानसिक तथा फिजिकली स्कूल जाने के लिए तैयार करते हैं। ब्रिटेन में चुनाव हो रहा है जी सर, लगभग संपन्न हो चुका है जी सर, प्रधानमंत्री के लिए सबसे पहले सबसे आगे कौन है? सर लीज ट्रस्ट में प्रधानमंत्री का चुनाव जीत चुका है। ठीक है, कौन से पार्टी से? सॉरी सर, उनकी पार्टी का चेंज है।